हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.6 सॉल्यूशन एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर यू कैन चेक बाय क्लिकिंग द आई बटन। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज 8x माइनस 3 डिवाइड बाय 3x इक्वल टू 2। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब देखिए, अगर आपको इस टाइप से मिलती है इक्वेशन तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 8 को 8x माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से एंड 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये आपके पास आया, देखो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज रहेगा। 8x माइनस 3 इक्वल टू 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3x से, तो ये आपके पास क्या आया, 8x माइनस 3 इक्वल टू 3 टू जा 6x। नाउ यू विल ट्रांसपोज 6x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 3 टू राइट हैंड साइड। ट्रांसपोजिंग 6x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 टू राइट हैंड साइड, 8x माइनस 6x इक्वल टू 3 को आपने ट्रांसपोज किया तो प्लस 3 हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 3, एक्स विल बी इक्वल टू 3 बाय 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 9x डिवाइड बाय 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। अब इसमें भी फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 9x इंटू 1 करोगे तो ये 9x रहेगा इक्वल टू 15 इंटू। अब ये देखिए, यहां पे आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे कर देते हैं 15 इंटू 7 माइनस 6x। अगर आपने ऐसे किया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्योंकि यहां पर 2 नंबर्स है तो 2 नंबर्स को आप ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे, 7 माइनस 6x को ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे, 15 को 7 से करोगे, 15 को 6x के साथ करोगे, तो ये आपके पास क्या आएगा, 9x इक्वल टू 15 इंटू 7 माइनस 15 इंटू 6x, देन 9x इक्वल टू 105 माइनस 90x। अब इसमें देखिए 90x है ये, इसको आप ट्रांसपोजिंग करेंगे, 9x प्लस 90x इक्वल टू 105, यहां पे आप करेंगे ट्रांसपोजिंग 90x टू राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, 99x इज इक्वल टू 105, x will be equal to 105 divided by 99। अभी कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 3 3 जा, दैट इज इक्वल टू 35 बाय 33। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 3y प्लस 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 2 बाय 5। सेम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ऐसे मिलता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाइंग वाला मेथड यूज कर रहे हैं अभी हम। 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 4 के साथ। अब देखिए, ये आपको विद इन ब्रैकेट रखना है, ये विद इन ब्रैकेट होना चाहिए, ये नहीं आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके कर दिया, इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 6y। Now you will use distributive property, 5 into 3x, 3y and 5 into 4, minus 2 into 2, minus 2 into 6y. So 5 3s are 15y plus 5 4s are 20 equal to, अब देखिए ये minus है, minus 2 into 2, minus 4, अब ये minus जब within bracket जाएगा तो ये plus हो जाएगा, ये 6 2s are 12, y. Now transposing
12y2 left hand side and 22 right hand side. 15y minus 12y equal to minus 4 as it is. आपको यहाँ पे जो नंबर पहले गिवन होता है वो एज इट इज नोट करना होता है. आप लोग क्या करते हो, 20 को इधर 20 एज इट इज लिख देते हो और इसका साइन चेंज कर देते हो जो कि गलत हो जाता है. तो ये नंबर पहले एज इट इज नोट करिए, इसको माइनस फोर, देन जो नंबर आप ट्रांसपोज कर रहे हैं वो माइनस 20. 12 को जब माइनस करोगे आप 15 से, 3y इक्वल टू माइनस ऑफ, दोनों माइनस में नंबर है तो माइनस माइनस प्लस, नंबर्स को प्लस करना है. 20 प्लस 4 24, y इक्वल टू माइनस 24 डिवाइड बाय 3, 3 8 जा 24 माइनस 8, वैल्यू ऑफ y इज माइनस 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू योरसेल्फ. फर्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 7y प्लस 4, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2. यहाँ पे 2 नंबर्स है तो आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे. अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे हम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3 इंटू 7 21y प्लस 3 इंटू 4 12 इक्वल टू माइनस 4 इंटू y माइनस 4y माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8. नाउ ट्रांसपोजिंग माइनस 4y टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 12 टू राइट हैंड साइड. So 21y plus 4y equal to minus 8, पहले नोट करेंगे हम minus 8 और इसको आप जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये minus 12. ये आपके पास क्या आया, 21 plus 4y equal to 25y equal to minus of 20, then y equal to माइनस 20 बाय 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, y इक्वल टू माइनस ऑफ 4 बाय 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशियो 5:7. 4 इयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:7. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. अब देखिए हरी और हैरी की रेशियो में एज गिवन है, तो जब भी रेशियो में गिवन होती है तो आप उसके साथ एक्स लेके चलते हैं. सो एज ऑफ हरी विल बी 5x एंड हैरी 7x. उसके बाद क्या है, 4 इयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, यहां पे क्या है विल बी, विल बी मीन्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मीन्स आप एड करोगे 4 इयर्स, जो प्रेजेंट एज है उसमें 4 इयर्स एड करोगे तो रेशियो क्या हो जाता है 3:4. प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है. सो आप क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इक्वल टू, बोलिए हरी के लिए जो फर्स्ट नंबर है 5x इयर्स, द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इक्वल टू 7x इयर्स, देन आपको गिवन है 4 इयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, तो आप एड करोगे तो यहां पे क्या करोगे, आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ हरी, एज ऑफ हरी बताइए क्या होगी, प्रेजेंट क्या है 5x, अगर आप अभी 14 इयर्स के हो तो आफ्टर 4 इयर्स क्या होगा,
18, यानी आपने 14 प्लस 4 किया, सेम प्रेजेंट 5x है, तो आफ्टर 4 इयर्स 5x प्लस 4 इयर्स, देन सेम एज ऑफ हैरी, सेम आप ऐड करोगे इसमें भी 7x प्लस 4 इयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि इन दोनों की एज का रेशियो क्या हो जाता है। रेशियो, रेशियो मींस आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ये रेशियो हो गया दोनों की एज का, ये रेशियो हो गया ऐसे, कितना गिवन है ये 3:4। अब देखिए सिंपल हो गया क्वेश्चन, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे लिख देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग, फोर इंटू फाइव एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3:7x प्लस 4, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5×4=20x प्लस 4×4=16 इक्वल टू 3×7=21x प्लस 4×3=12। अब ट्रांसपोजिंग वाला आप अपने आप लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 21x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 16 टू राइट हैंड साइड, यू विल गेट 20x माइनस 21x इक्वल टू 12, पहले आपको 12 नोट करना है, 12 माइनस 16 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 4, सो यू विल राइट लास्ट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी, एज ऑफ हरी विल बी 5x था, तो रिटर्न भी करनी है आपको वैल्यू, ये 5×4 दैट इज इक्वल टू 20 इयर्स। देन सेम आप करेंगे हैरी की, आप अपने आप नोट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इक्वल टू 7×x, 7×4 दैट इज इक्वल टू 28 इयर्स, दिस इज योर आंसर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, फाइंड द रैशनल नंबर। अब देखिए आपको लेट क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा, देन की राइट हैंड साइड में जो भी नंबर आपको मिलेगा, द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, देन के बाद आपको क्या मिला न्यूमरेटर, सो आप लेट क्या करेंगे न्यूमरेटर को लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर है सो दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर इक्वल टू y, then denominator क्या होता है, denominator of rational number is greater than its numerator by 8, 8 greater है ये denominator, तो आप denominator को क्या करेंगे y plus 8, the denominator of rational number equal to y plus 8। now according to question देखिए, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, जब आप 17 इंक्रीज करेंगे तो ये क्या फॉर्म होगा y प्लस 17, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिक्रीज्ड मीन्स माइनस करेंगे आप, y प्लस 8 माइनस 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, इज 3/2 मीन्स इक्वल टू 3/2, समझ आया, जो न्यूमरेटर है उसको आपको इंक्रीज करना है, 17 मीन्स प्लस करोगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको आपको डिक्रीज करना है बाय 1, तो आप वहां माइनस कर रहेंगे, और रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा ये, तो ये आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन y बाय y प्लस 8, ये मैंने पहले एज इट इज नोट किया क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा, देन आपको न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है बाय 17, तो प्लस आपने 17 किया
और डिक्रीज करना डिनोमिनेटर को बाय वन, माइनस वन किया, द नंबर ऑब्टेन इज, जो आपको नंबर मिला है इज आया मीन्स इक्वल टू 3/2। अब देखिए ये आपके पास आगे इक्वेशन, इसमें माइनस वन है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, यहां पे सेवन कर लेंगे, लेकिन आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में आप नोट करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 2 × y + 17 इक्वल टू 3 × y + 7। नाउ वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2 × y 2y + 2 × 17 34 इक्वल टू 3 × y 3y + 7 = 21। नाउ ट्रांसपोजिंग 3y2, ये वाले स्टेप बेटा आप अपने आप नोट करेंगे साइड में, 2y - 3y = 3y को आपने ट्रांसपोज किया, अब 34 को करेंगे तो 21 एज इट इज माइनस ऑफ 34, यू विल गेट -y = 13, माइनस में आएगा ये वाला भी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y = 13। लास्ट में आप नोट करेंगे अपने आप से, सो द न्यूमरेटर ऑफ, यहां पे नोट करेंगे सो द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर इक्वल टू 13 एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इक्वल टू y + 8 मीन्स 13+8 दैट विल बी इक्वल टू 13/21। यहां पे आप एक लाइन और नोट कर लेना, यहां पे रैशनल नंबर और नोट कर लेना, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यहां से क्या फॉर्म होगा y/y + 8, और फिर जब आंसर निकालोगे ना तो डायरेक्ट इसी में y की वैल्यू पुट कर लेना, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।